YouTube चैनल कैसे हैं आप सब। आई होप सभी बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी चेहरे को हम किस तरह से एक चम्मच की हेल्प से गोरा निखार अपने चेहरे पे पा सकते हैं, चेहरे को ब्राइट बना सकते हैं, टाइट बना सकते हैं, चेहरे की पिगमेंटेशन को दूर कर सकते हैं और चेहरे को टाइट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपकी स्किन बहुत लूज हो गई है, बहुत ढीली है आपकी स्किन, आप इस एक चम्मच की हेल्प से अपने चेहरे को टाइट भी कर सकते हैं। दोस्तों ये फेस पैक बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, बहुत इंटरेस्टिंग है और दोस्तों आप बड़े आराम से इसे बना सकते हैं। तो अभी हम ज्यादा बातें नहीं करते हैं, तो चलिए देख लेते हैं इस फेस पैक को हमने कैसे तैयार करना है। एंड इसे कोई भी यूज कर सकता है, बॉयज गर्ल्स जेंट्स लेडीज सभी इसे यूज करें। इवन अगर आप वीक में दो बार इसे यूज करेंगे तो आपकी स्किन पे से जो टैन है वो भी रिमूव हो जाएगा, पिगमेंटेशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं इस पैक को हमने कैसे बनाना है। लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है और जो बेल आइकन है उस पर क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि मेरा आने वाला वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपसे स्किप ना हो पाए। तो फ्रेंड्स इस पैक को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक चम्मच काओलिन क्ले लेंगे। मैंने बहुत से पैक के अंदर आपको काओलिन क्ले के बारे में बताया है, जिसे चाइना क्ले भी कहते हैं। जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं शायद उनको इसके बारे में नहीं पता होगा। दोस्तों चाइना क्ले आपको ऑनलाइन मिल जाएगी या फिर आपको किसी भी केमिस्ट शॉप से मिल जाएगी, तो प्लीज आप ड्रग स्टोर से इसे परचेज कर सकते हैं। ये नियर अबाउट 250 के अराउंड आपको मिल जाएगी, आप ऑनलाइन इसे परचेज कर सकते हैं। अगर आपको लिंक चाहिए नीचे डिस्क्रिप्शन बार में मैं आपको लिंक भी दे दूंगी, आप वहां से इसे ले सकते हैं। अमेजोन पे बड़े आसानी से अवेलेबल है ये, तो आप वहां से इसे लीजिए। ये स्किन वाइटनिंग, स्किन को टाइटनिंग करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। मुल्तानी मिट्टी की तरह होती है एंड लेकिन ये मुल्तानी मिट्टी से ज़्यादा इफेक्टिव होती है, बहुत अच्छा असर आपके फेस पे छोड़ के जाती है एंड इंस्टेंट ग्लो आपके फेस पे देगी, इंस्टेंट वाइटनिंग इफेक्ट आपके फेस पे देगी। जैसे ही लगाएंगे आपको खुद इसका रिजल्ट तभी पता चलेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इसे परचेज जरूर करें, क्योंकि ये हमारा पूरा जो आज का फेस पैक है वो इस पे डिपेंड करता है। तो काओलिन क्ले बिना लिए आप इस फेस पैक को नहीं बना सकते। तो दोस्तों व्हाइटनिंग के साथ साथ हम हमेशा ये भी चाहेंगे कि हमारी पिगमेंटेशन और टैन भी दूर हो जाए, तो उसे दूर करने के लिए दोस्तों हम आधा चम्मच इसके अंदर डालेंगे मुलेठी पाउडर। तो दोस्तों मुलेठी पाउडर क्या करता है, हमारे चेहरे की पिगमेंटेशन को दूर करता है, रिंकल्स को दूर करता है, हमारे चेहरे को टाइट ब्राइट बनाने में बहुत हेल्प करता है, स्किन को यंग बनाता है। तो आधा चम्मच हमने इसके अंदर मुलेठी पाउडर जरूर डालना है। अब स्किन को स्मूथ सॉफ्ट भी हमें बनाना है, तो स्मूथ सॉफ्ट बनाने के लिए हम इसके अंदर डालेंगे एक चम्मच हनी। दोस्तों हनी भी बहुत बेनिफिशियल है, ये रिंकल्स को दूर करता है, स्किन को स्मूथ सॉफ्ट बनाता है, स्किन को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है, स्किन को गोरा करता है और साथ साथ स्किन की जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं उसे रिमूव करने में बहुत हेल्प करता है। तो दोस्तों अब हम चाहेंगे कि हमारे ओपन पोर्स में जो डस्ट फंसा हो वो भी बड़े आराम से निकल जाए, तो उसके लिए हम इसके अंदर एक चम्मच राइस फ्लावर यानी कि चावल का आटा डालेंगे। ये हमारे चेहरे पे स्क्रबिंग का काम करता है, चेहरे के ओपन पोर्स में जो डस्ट फंस जाता है या हमारे चेहरे की जो मैल मिट्टी है उसे निकालने में बहुत हेल्प करता है। और अब दोस्तों हमने सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हमने टमाटो जूस यानी कि टमाटर के रस की हेल्प से हमने इसका एक फेस पैक तैयार करना है। इस फेस पैक को आपने अच्छी तरह से टमाटर जूस की हेल्प से पेस्ट बना लेना है। इस पेस्ट को पूरे चेहरे पे अच्छी तरह से अप्लाई कर लीजिए, अपने नेक एरिया पे भी अप्लाई करें। नेचुरल ब्यूटी के लिए हमें नेक पे फेस पैक अप्लाई करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों नेक और फेस दोनों पर इसे अच्छी तरह से अप्लाई कर लीजिए और ड्राई होने के लिए छोड़ दें। जब दोनों चीज़ें अच्छी तरह से यानी कि आपकी नेक और फेस ड्राई हो जाए तो उसे अगेन गीला करके सर्कुलर मोशन में आप उसे मसाज करते रहें। गर्दन से ऊपर की तरफ आप इसे मसाज करें, चिक एरिया पे सर्कुलर मोशन पे अच्छी तरह से मसाज कर लीजिए, अपने फोरहेड पे और आपके जो लिप एरिया है वहाँ पे अच्छी तरह से मसाज करें, क्योंकि पिगमेंटेशन जो है वो हमारे लिप एरिया पे कई बार बहुत ज़्यादा हो जाती है, टैन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अच्छी तरह से मसाज करने के बाद आप इसे हल्के गुनगुने पानी से वॉश कर लीजिए। दोस्तों आप इसे वीक में एक बार कर सकते हैं, वीक में दो बार भी कर सकते हैं, तो आप इसे करें, इसका रिजल्ट आपको जो मिलेगा बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आप इसे एक बार ट्राई करके देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एक बार ट्राई करके वापस आके वीडियो पे कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा। अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। सो एवरीबॉडी आप
आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। आई होप आपको ये रेमेडी जरूर जरूर पसंद आई होगी, तो इस रेमेडी को वीक में 2 बार यूज जरूर कीजिएगा। और ये 1 चम्मच यानी कि काओलिन क्ले का जरूर खरीदेगा, बहुत ही बेनिफिशियल है आपकी स्किन को टाइट ब्राइट और पिगमेंटेशन को भगाने के लिए। एंड गाइज अगर कोई भी चीज आपसे मिस हो गया है तो मेरी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। एंड गाइज अगर आप मेरी फैमिली मेंबर नहीं है यानी कि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन पे क्लिक भी नहीं किया, तो कर लीजिएगा ताकि कोई भी आने वाला वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। तो गाइज अभी मैं आपको मिलूंगी नई वीडियो नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।